मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाना बताऊंगी। ये काफी टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और बनाना भी काफी इजी है। और इसे बना के फ्रेंड आप पूरे साल एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं, और इसे धूप दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इसे बनाइए और 2 से 3 घंटे बाद आप इसे खाना शुरू कर सकते हैं। ये काफी टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो लाइक जरूर कीजिए। नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए हमने 10 लेमन लिया है, छोटे साइज का हमने लिया, मीडियम साइज का नींबू लिया है 10, और ये पीसी हुई चीनी हमने यूज किया है फ्रेंड। अगर इसके जगह पे आप नॉर्मल चीनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे पाउडर बना के लिया है। ये 250 ग्राम चीनी है, और ये नमक है, और ये हमने 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब मैं इन नींबुओं को कट करूंगी। एक नींबू के फ्रेंड्स 8 टुकड़े करने हैं, 2 ऐसे, फिर इस तरह से, और इस तरह से 8 टुकड़े एक नींबू के करने के बाद सारे सीड्स को मैं निकाल लूंगी, क्योंकि सीड्स अगर रहेंगे अचार में तो वो कड़वा हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए इस तरह से सारे को 8 टुकड़े में कट करेंगे, और इसके सीड्स को मैं इस तरह से निकाल लूंगी। इस तरह से सारे सीड्स को निकालना है फ्रेंड्स। इस तरह सारे नींबुओं को सारे सीड्स निकाल के 8 टुकड़ों में कट कर लेंगे। इस तरह हमने सारे सीड्स बाहर कर लिए हैं, सारे नींबू में से सीड्स निकाल ली हूँ। अब ये फेंक दूंगी, और इन नींबुओं को मैं जार में डाल के ग्राइंड करूंगी। फ्रेंड्स, इसे ज्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा दरदरा ग्राइंड करूंगी। सारे नींबुओं को हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया फ्रेंड, देख लीजिए इतना मोटा मोटा पीसना है इस तरह से। अब मैं इसे एक बाउल में पलट लेती हूँ। और मैं इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालूंगी, पूरा 1/2 चम्मच हमने डाला है टेबलस्पून नमक, और आधा और डालूंगी, तो ये 1 स्पून भर के नमक हो गया फ्रेंड। और ये लाल मिर्च पाउडर, इसे आपको जितना तीखा अच्छा लगता है फ्रेंड, उस हिसाब से आप यूज कीजिए। और ये शक्कर जो हमने 250 ग्राम पीस के लिया है, इसे ऐड करूंगी। एक साथ नहीं ऐड करेंगे फ्रेंड, इसके जगह पे आप पूरा शक्कर भी आप ले सकते हैं, पूरी चीनी भी ले सकते हैं आप, पीसने की जरूरत नहीं है। हमने पीसा हुआ यूज किया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह इसे 5 मिनट्स मिक्स करूंगी, और इसे धूप में रखने की जरूरत नहीं है, आप पूरे साल आप बना के रख सकते हैं इस अचार को। बहुत टेस्टी बनता है, पराठे के साथ या राइस के साथ, आपको जैसे अच्छा लगे आप खाइए। इस तरह से फ्रेंड्स 5 मिनट्स इसे टर्न करती रहूंगी, ताकि अच्छे से शुगर इसमें चीनी मिल जाए अच्छे से। और ये खाने के लिए 2 से 3 घंटे बाद ये रेडी हो जाएगा। इसे आप कैसे भी यूज कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है, आप ट्रेवलिंग में भी कैरी कर सकते हैं, इसके साथ पराठे भी अच्छे लगते हैं।